ओम शांति। धरती बहन, बहुत बहुत आपका बड़ौदा में स्वागत है। अफ्रीका से बड़ौदा का सफर ठीक रहा? सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? हाँ, नहीं, वंडरफुल कोई सफर। तकलीफ नहीं, हम तो पुष्पक विमान में आ गए। प्यारे साथियों, खुशी की बात यह है कि धरती बहन गुजरात से ही है। ठीक है, चरोदर जो खंभात पेटलाद है वहां के ही है, और पिछले 18 वर्षों से आप अफ्रीका में, तांजानिया में, वहां पर ईश्वरीय सेवार्थ आप वहां अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। तो कैसे आपका इस ज्ञान में आना हुआ, कैसे आपका अफ्रीका का ये दौर शुरू हुआ, कैसे वहां की सेवाएं आपने की है, क्या आपके अनुभव रहे हैं, कौन से आपको विघ्न आए और विघ्नों को कैसे ईश्वरीय शक्तियों के और स्नेह के आधार से आपने उस पर विजय प्राप्त की, इस बात का पूरा अनुभव आज हम सुनेंगे धरती बहन से। तो इस खुशबूदार बगिया में आपका विशेष स्वागत है, और हम चाहेंगे अब आप आपका अनुभव शुरू करें सुनाना। थैंक यू मिनेश भाई, थैंक यू। इससे पहले आप शुरू करें, भाई और बहनों, छोटा सा एक स्लाइड शो बनाया है, इससे आपको धरती बहन का अच्छे से परिचय मिल जाएगा। कैसे आपने वहां सेवाएं की है, और आप गुजराती है तो गुजराती की तो अपनी एक अदा होती है, अपनी एक विशेषता होती है। और क्योंकि गुजरात भले आप है, लेकिन पिछले 18 वर्षों से आप तांजानिया में है, तो अब तो कहेंगे आप तांजानिया के हो गए, लेकिन तांजानिया के होने से आप गुजराती मिट नहीं जाते, तो कहेंगे गुजराती, या मैं गुजराती, तांजानिया ना गुजराती, गुजराती भी है लेकिन तांजानिया के है। तो छोटा सा स्लाइड शो बनाया, और उससे परिचय भी आपको मिल जाएगा। गुजराती गुजराती हमें तंजानिया ना गुजराती, गुजराती गुजराती हमें ईस्ट अफ्रीका ना रहवासी, गुजराती गुजराती हमें तंजानिया ना गुजराती। चंबो चंबो बना हबारी गानी जुरी सन्ना, किस्वाहिली भाषा हमारी, किस्वाहिली माँ बोलिए, जंबो बाना हबारी गानी मजूरी साना रहिए, हम मजूरी साना कहिए। गुजराती गुजराती हमें तंजानिया ना गुजराती, गुजराती गुजराती हमें ईस्ट अफ्रीका ना रहवासी। चंबो चंबो बना आबारी गानी जुरी सन्ना, क्रिसमस ईद दिवाली मनावी गो मा जो आ जाइए, बैसाखी ना बंगड़ा बल्ले बल्ले डांडिया गरबा रचिए, अरे हंसता गाता रहिए। गुजराती गुजराती हमें तंजानिया ना गुजराती, गुजराती गुजराती हमें ईस्ट अफ्रीका ना रहवासी। चंबो चंबो बना अमेरिकानी जुरी सन्ना, गुजराती खाए स्पेशल थाली खाए मिक्स जानती बारी, मिठाई ने पिज्जा भावे यमने भावे महरागी नवाली, अरे खिचड़ी कटिया वारी। गुजराती गुजराती हमें तंजानिया ना गुजराती, गुजराती
जंबो बाना तो गुजराती हमें गुजराती इस अफ्रीकाना हमें गुजराती तो हाँ आप सुनाओ आपकी दास्तान। थैंक यू मिनेश भाई आज हमको इनविटेशन देने के लिए और डॉक्टर थैंक यू जयंत भाई और चंपा बेन हाँ दोनों शब्द ठीक है दोनों चलता है इसलिए आपने ठीक ही बोला है। हमारे यहाँ दो बात चलते है कोई बहन बोलता है कोई चंपा बा बोलता है तो वो था रोके। हाँ तो आज हमको इस यह मौका दिया तो उसके लिए खूब खूब थैंक यू। और अनुभव तो बहुत सारे हैं क्योंकि शरीर की आयु तो बहुत कम है लेकिन जन्म से ही एक एक सेकंड यूज किया है बाबा के यज्ञ में। तो हम आपको जन्म से ही कैसे हम बाबा के ज्ञान में चले और फिर बाबा के साथ के हमारे कौन कौन से अनुभव रहे और सेवा में बाबा ने हमें कैसे कैसे मिरेकल्स किए हैं कहाँ कहाँ मदद की है। विघ्न जैसा तो हमको कभी नहीं लगा है कि किसी जगह पर हमें विघ्न पड़ा हो। बहुत खेल जैसा लगा है विघ्न कह सकते हैं लेकिन एकदम जैसे खेल और उसको ही फिर हम अनुभव के रूप में सुना सकते हैं। तो हम ओरिजिनली खंभात के हैं, जन्म भी हमारा वहीं हुआ है और हम जयपुर में फिर बड़े हुए हैं। तो हमारा जन्म हुआ था या मैं हमारी मम्मी का शादी हुआ उससे पहले हमारे घर से एक ब्रह्मा कुमारी का बीज पड़ा था जो हमारी मदर की सबसे बड़ी बहन है ललिता बहन। तो हमारा मदर्स की शादी भी नहीं हुई थी तब से वह ब्रह्मा कुमारी में चले गए थे लेकिन उस समय उस जमाने में से पता नहीं था कि यह ब्रह्मा कुमारी में गए हैं या ऐसी कोई संस्था है। बस घर वालों को ऐसा होता था कि साधु हो गए हैं और ये चले गए हैं। फिर हमारी मदर की शादी हुई और हम 2 महीने के थे तो हमारी मासी आई थी हमारे घर पे। हम जयपुर में रहते थे तो उन्होंने हमको ऐसे गोद में उठाया, बोला बहुत आकर्षित थे हम और लंबे थे, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी और उनको जैसे दृष्टि देने लगे हम 2 महीने के थे। तो तब उनके मुख से निकला कि इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगी और ये ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो एक जैसे वरदान मिल गया। लक्षण तो थे ही ब्रह्मा कुमारी के लेकिन ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था, उल्टा था, लक्षण थे लक्ष्य नहीं था। और उस समय मदर बहुत कृष्ण की भगत थी और बहुत सतोप्रधान भक्ति करती थी। मुझे भी याद है हम भी इतने छोटे से थे तो मंदिर में हमको रख देती थी वो और हम देखते थे, हमें वो हमारी आंखें दिखाई पड़ती है कि कैसे हम देखते थे कृष्ण का मंदिर है। वो लोग पता नहीं क्या करते थे रास गरबा और हमारे कान के आगे ढोल बजते थे, ये सब हम देख रहे हैं ऐसा हमको फील होता है। तो बहुत अच्छी भक्ति करते थे और हम जन्म से बहुत वीक भी थे। मतलब हमारा जब जन्म ही हुआ था तो हर दिन हमारे माँ बाप को ऐसा होता था कि आज ये मर जाएगी आज ये मर जाएगी। तो क्योंकि जब हम सांस लेते थे तो हमारा सर में भी ऐसे ऊपर नीचे होता था, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते, और सर में खून भी नहीं जाता था। तो कभी कभी मुझे भी याद है जब हम उठते थे सुबह में तो जैसे ही अपना सर ऊपर करते थे तो वापस हमको सर तकिए पे डाल देना पड़ता था। तो ऐसे बहुत वीकनेस थी और सारे जयपुर के सभी हॉस्पिटल्स के चक्कर हमारे माँ बाप ने खाए हैं हमारे लिए लेकिन मरने वाले तो थे नहीं। तो 13 साल तक हम ऐसे ही रहे, बहुत वीक रहे और उस दौरान हमारी मदर भी ढूंढ रही थी ऐसे कुछ। घर में सब कुछ था लेकिन उनको कुछ शांति वगैरह चाहिए होगी। तो हमारे घर के सामने एक दुकान थी तो दुकानदार ने बताया कि बहन एक संस्था है जो बहनों की है, आप वहां जाइए। तो जयपुर में
सुषमा बहन या क्या जिनका सुषमा बहन जिनका म्यूजियम है जिनके सेंटर में, तो मेरी मम्मी वहां गई थी और हमको भी साथ में ले गई थी। तो वहां से फिर हमारी शुरुआत हुई। घर में ऑलरेडी थे लेकिन ब्रह्मा कुमारी ऐसा कुछ पता नहीं था, तो वहां से हमने ज्ञान की शुरुआत की। और हम भी मम्मी के साथ हर गुरुवार को जाते थे क्योंकि हमको टोली बहुत अच्छी लगती थी। हमें याद है वो माल पुआ देते थे हमको, तो खास हम वो खाने के लिए ही जाते थे। फिर बहुत अच्छे से हमारा लाइफ चल रहा था, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी मिला। फिर थोड़ा सा धंधे में मंदी आ गई, तो सब कुछ छोड़ करके हम 13 साल के थे तो हमको गुजरात में आना पड़ा, क्योंकि एटलीस्ट हमारा घर होता है ना तो भाड़ा वगैरह नहीं भरना होता, फिर काम तो देख लेंगे। तो ऐसे करके हम गुजरात में आ गए। तो जब गुजरात में आए तो हमको सबसे पहले तो पढ़ाई की बहुत परेशानी हो गई, और क्योंकि हमको गुजराती नहीं आता था तो हम हिंदी में ही बात करते थे घर में भी। तो हमको 2 साल तक जो गवर्नमेंट की स्कूल होती है उसमें पढ़ना पड़ा, क्योंकि अच्छी स्कूल में हमें एडमिशन नहीं दिया लैंग्वेज की वजह से। तो हमको गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ाई हुई हमारी 2 साल तक। और उस दौरान मतलब हम भी बहुत वो हो गए क्योंकि हमारी पूरी लाइफस्टाइल बिगड़ गई ऐसे कह सकते हैं। तो हमारा अंदर में पता नहीं आत्मा को एकदम खाली ही पना हो गया। हमको कुछ पसंद नहीं आता, कोई लोग पसंद नहीं, ना कोई दोस्त है, बस ऐसे पढ़ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइफ चलता रहा। उस बहुत सारा उतराव चढ़ाव आता था और फाइनेंशियली भी बहुत सारी गिरावट आ गई। पहले बहुत अच्छा था, तो इस हिसाब से तो बच्चे होते हैं तो उनकी आत्मा पर बहुत बड़ा असर हो जाता है घर की सिचुएशन से। तो पढ़ाई में भी बहुत फर्क पड़ गया हमारी, लेकिन हमने कंटिन्यू किया। अब जब हम शिफ्ट हुए गुजरात में खंभात में, तो वहां पर सेंटर नहीं था, तो फिर मम्मी बहुत उसके अंदर इंटरेस्टेड थी और 2-3 ओल्ड मदर्स थे वहां पर जिन्होंने पहले से ऐसे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लिया हुआ था लेकिन सेंटर नहीं था। तो फिर मम्मी ने इनिशिएटिव लिया और सेंटर खोला, क्योंकि हमारे घर में ऐसा वो निर्बंधन थी तो वो खोल सकती थी। जो हमारा घर था हमारी दादी का, तो वहां पर नीचे बहुचरा माता जी का मंदिर था हमारे घर में। तो कभी कभी ऐसा होता था, क्योंकि हम तो कभी भक्ति नहीं किया है हमने तो, लेकिन ऐसे अच्छी वाली भक्ति नहीं की है, सिर्फ नेम सेक निभाने के लिए, बाबा कहते ना ऐसे निभाने के लिए भक्ति की है, बाकी कुछ किया नहीं है। और माँ बाप भी ज्ञान में है तो उन्होंने भी कभी किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया। तो ऐसा था कि जैसे नीचे माँ है और हमारे ऊपर बाप है, क्योंकि हम ऊपर रहते थे और दादी लोग नीचे रहते थे, वो बहुचरा जी का मंदिर आदि। तो काफी बार वो होता था घर में कि आप लोग ये नहीं करते वो नहीं करते, तो हम कहते थे आप तो माँ की पूजा करते हम तो बाप की पूजा करते। तो ऐसे ऐसे होता था। और घर में ही गीता पाठशाला थी और मम्मी जैसे टीचर हो गई थी तो और जगह पर लेकर भी हमने क्लास चलाया, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई थी। तो हमको मुरली पढ़ना, योग करना, खान पान, ये सब एकदम जैसे लक्षण पूरा ब्रह्मा कुमारी का था। लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल नहीं बनना था। बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये सोचा ही नहीं था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी कुछ बनना है। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। हमारी मम्मी सेंटर चलाने लगी, तब हम तारापुर के कनेक्शन से थे तो वहां से भी बहनें आती थी। वो सब बहनों ने हमें ब्रह्मा कुमारी बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और खैर हम बन गए। आश्चर्य से बन गए, लोग आश्चर्य से भागंती हो जाते हैं, हम आश्चर्य से आवंती हो गए। तो इस तरह से हमारा शुरू हुआ। हमको मॉडलिंग करना था, सही बताए तो हमारा थोड़ा बुद्धि उसमें था, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी ऐसी थी और 2-3 लोगों ने हमें बताया भी था, तो उस समय थोड़ा बुद्धि उसमें होता है ना, तो देह अभिमान होता है,
तो हमको मॉडलिंग करना था, हमने दो चार फोटोज भी भिजवाए थे, घर में किसी को पता नहीं था। और पढ़ाई में भी ऐसा हुआ, शायद ललिता बहन जो ऑलरेडी रमा कुमारी थे तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा हमारे घर पर, तो उन्होंने बात किया होगा मेरी मदर से कि तुम इनको ये नहीं पढ़ाना वो नहीं पढ़ाना, क्योंकि हमको फिर मिलिट्री का भी बड़ा शौक लग गया था, तो हमको पढ़ना था कुछ और। हमने 12वीं पास की, उसके बाद हमको कुछ और पढ़ना था, मॉडलिंग में जाना था या तो फिर मिलिट्री में जाना था, लेकिन हमारी जो ललिता बहन है उन्होंने कहा कि तुम इनको ऐसे अभी कॉलेज भेज दो, होम साइंस करवा दो। आई हेट होम साइंस, भले मैं हूँ बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ मैं, लेकिन होम साइंस में क्या सीखना है, मतलब मेरा बहुत हर बात में मैं दिल शिकस्त होती रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लाइफ पर कोई और हक जमा रहा है और कोई और मुझे जबरदस्ती ब्रह्मा कुमारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे अंदर अंदर में अच्छा नहीं लगता था। तो सेंटर में भी हम जाते थे, सब वहां पर भी बहने, फिर हमारा सेंटर भी हो गया और राजकोट से बहन आई किरण बहन, और दो बहनों ने अभी अच्छे से सेंटर भी है, तो वो लोग भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं देते थे। हम हर प्रकार की सेवा करते थे और बाबा की मदद भी थी, बाबा में बड़ा विश्वास भी करते थे। लेकिन इतना छोटेपन में हम बताए, जैसे शाम को कभी योग में बैठते थे तो मैं ऐसे गिनती थी 108 बार, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा तो एक बस हमारा 108 बार शिव बाबा हो गया, तो हमारा नुमा शाम का योग हो गया। फिर मुरली भी तो पढ़ते थे, क्योंकि मम्मी पापा के लिए रात को बोला चलो पढ़ लो, हम पापा ने सुनी नहीं है मुरली, तो मैं ऐसे पढ़ देती थी, तो सब कुछ ज्ञान था, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन शायद नहीं जुड़ रहा था, कुछ मिसिंग था। मुझे कुछ भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था, मैंने आज तक कोई उपवास ऐसा कुछ किया नहीं है। हाँ, जो शौक था, जो गौरी व्रत करते हैं तो और लड़कियां करती थी, बोला अच्छा पति मिलता है तो हम भी करते थे, लेकिन फिर भी इस बुद्धि से नहीं करते थे, कभी पूरा नहीं किया है। लास्ट दिन पर हमने सब व्रत तोड़ दिए, 4 दिन रखते पांचवे दिन तोड़ देते थे, कभी पूरा नहीं किया है कुछ भी, लेकिन एक कनेक्शन था हमारा भगवान के साथ। घर में कुछ भी होता था तो मैं राह देखती थी, दोपहर हो ना तो सब सो जाते थे, मैं बाहर बालकनी में बैठी रहती थी, मैं देखती थी सब एकदम शांत हो जाए। तो हमारे घर के पास एक शिव का मंदिर था, वो जो कि बंद रहता था, लेकिन ताला नहीं लगा होता था उसको, सिर्फ कुंडी लगाकर वो बंद रखते थे। तो दोपहर में मैं वहां चली जाती थी मंदिर में, और वो दरवाजा खोल के अंदर से दरवाजा बंद करके मैं शिवलिंग के सामने बैठती थी और बातें करती थी। बातें मतलब मेरे, मुझे जो भी प्रॉब्लम है, मम्मी से प्रॉब्लम है, दोस्तों से प्रॉब्लम है, जो भी सारी कंप्लेन मुझे करनी थी, जो भी बातें करनी, 1 घंटा 2 घंटा वो शिवलिंग से बातें करके, जब मुझे एकदम अच्छा लगता फिर मैं वापस आ जाती थी। तो मेरा एक बहुत कनेक्शन था। मैं बहुत छोटी थी, 5 साल की या 6 साल की, तब भी घर से स्कूल जाने के बीच में शिव का मंदिर आता था, तो मैं कभी कभी वहां बैठ जाती थी, जाना तो होता ही था। मंदिर के बाहर एक फूल वाला बैठता था, तो वहां से फूल लेकर मुझे मंदिर में जाना ही है, चढ़ाना ही है। मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे ऐसा नहीं है कि ये भगवान है या क्या है, लेकिन एक शिवलिंग से मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता था और रिलीफ होता था कि ये कुछ कोई तो है मेरा सुनने वाला। तो बचपन से ही हर रोज स्कूल जाने से पहले मेरी भगवान से बातें होती थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं मंदिर में भाग जाती थी, लेकिन ऐसे कोई हो तब नहीं, मैं रात देखती थी कब कोई ना हो, दोपहर में तो कोई नहीं जाता मंदिर में, तो मैं 2-3 बजे ऐसे मंदिर में जाकर बैठती थी और बहुत सारी बातें करती थी भगवान से। तो एक कनेक्शन भगवान का मुझसे था।
तो सब कुछ मुझे मुरली पढ़ना कोर्स कराने सब कुछ आता था, मुझे किसी बात का ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ा। लेकिन मैं अपने अंदर में अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। ऐसा कुछ मुझे तो नफरत आने लगी थी, सच्ची कहूं तो मुझे बहुत नफरत आने लगी थी, क्योंकि सब लोगों का यही पुरुषार्थ होता था कि इसको ब्रह्मा कुमारी बना दे, इसको ब्रह्मा कुमारी बना दे। तो जितना वो लोग मेहनत करते थे मुझे उतना ही नफरत आता था। लेकिन मैं करती थी, मैं सब कुछ करती थी, मैं बाबा को याद करती थी, मैं धारणा करती थी, मैं ज्ञान सुनती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन अंदर में मैंने सोच, मैं ब्रह्मा कुमारी कभी नहीं बनूंगी। हमारी ललिता बहन भी आती थी और सारे घर के लोग इकट्ठे होते थे, तो हम जब मिलते थे, पहले तो ऐसे जाना होता है ना, तो पांव छूते थे, तो वो हाथ पकड़ लेती थी, फिर दृष्टि देती थी, और वहां तक तो ठीक है। फिर सबके सामने पूछती थी, ब्रह्मा कुमारी बनेगी ना? तो मुझे इतना गुस्सा आता था अंदर में कि अभी कैसे कहूं कि नहीं बनना है, मुझे शादी करनी है। सबके सामने तो नहीं बोल सकते ना ऐसा। तो एक्चुअली शादी करने का भी कोई शौक नहीं था, मुझे बहुत कुछ बनना था, मॉडलिंग में या बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस में थी मैं, तो मतलब ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना था। फिर घर पे आकर मैं मम्मी को बहुत डांटती थी, मैं कहती तुम्हारी बड़ी बहन ऐसी, तुम्हारी बड़ी बहन ऐसी, जब देखो एक ही सवाल, ब्रह्मा कुमारी बनोगी, ब्रह्मा कुमारी बनोगी, बन जाऊंगी, बनना होगा तो मुझे नहीं बनना है। फिर पता नहीं क्या हुआ, उस दौरान मुझे बाबा के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होते थे। एक बार मुझे याद, मैं सेंटर पर रहने भी जाती थी, अलग अलग सेंटर पर मैं रहने भी गई हूँ जब उनको कोई जरूरत होती थी। मुझे याद है सबसे पहले जब मैं कुमारियों की भट्टी में गई थी, बहुत सारी हमारे साथ 5-6 कुमारियां थी, और ये 3-4 बातें ऐसी है जो मुझे पता नहीं है कि सच में मेरे साथ हुआ है या एक वहम है, वो आज तक मुझे नहीं पता है। उसमें एक बात ये है कि मुझे ऐसा था कि मैं उड़ती हूं और मैं उसको पकड़ के बैठ गई थी कि मैं उड़ सकती हूं, मैंने उड़ी थी कल, मैं उड़ी थी। मैंने एक बार अपनी मम्मी को भी बोला कि पता है मैं ऐसे ऐसे कहा पाँव करके फिर मैं उड़ी थी, तो वो हंस रही है ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैं मानू ही नहीं, क्योंकि मैं उड़ी थी, मैं बोला मैं ऐसे ऊपर गई थी, लेकिन कोई माने ही नहीं। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि कुमारी की भट्टी में मैं गई थी, तो हम बैठे थे, भोग लगने वाला था। तो अभी यूजुअली ऐसा होता है कि दादी गुलजार ऐसे ट्रांस में तो नहीं जाते हैं, अभी मुझे पता नहीं है वो गए थे कि नहीं गए थे, वो एक वहम है या सत्य है मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत सॉलिड मेरा अनुभव है जो मैं एक रियलिटी मानकर अभी तक मेरे साथ वो है। तो हम कुमारी की भट्टी में थे और दादी गुलजार जी बैठे थे सामने भोग लगाने के लिए, तो वो जैसे ही ट्रांस में गए और हम भी जैसे ट्रांस में चले गए। ट्रांस नहीं कहेंगे, मुझे पसंद नहीं है ये, लेकिन ऐसा ही एक अनुभव था कि मैं कहीं खो गई और बाबा के साथ हूं मैं, और बाबा मुझे अंगूठी पहना रहे। बाबा ने मुझे बहुत सुंदर अंगूठी पहनाई और उस अंगूठी में मैंने देखा एक तरफ लिखा था दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, और दूसरी तरफ लिखा था सफलता, और बीच में जैसे शिव बाबा ऐसे चमक रहे थे, हीरा जैसे चमक रहे थे। फिर जब दादी अपना भोग का मैसेज सुना रहे थे, तो दादी ने कहा आज बाबा ने वतन में सब कुमारियों को अंगूठी पहनाई, और अंगूठी में लिखा था दृढ़ता, जहां दृढ़ता है वहीं सफलता है। दो शब्द अंगूठी में लिखे थे और बीच में शिव बाबा जैसे हीरे की तरह चमक रहा है। तो ये मुझे इतना अंदर में हुआ कि बाबा ने मुझे अंगूठी पहनाई, मैं एकदम बाबा की सखी हूं।
लेकिन ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है। मैं बाबा की हूँ, बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बाबा ने जो कहा वही मुझे मैसेज बाबा ने भी दिया, दादी का भी यही मैसेज, तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे पता नहीं है ये सत्य है या वहम है। तीसरी बात जो बाबा का साथ का मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन है, ये सब ब्रह्मा कुमारी बनने के पहले के अनुभव है। इसको ये जो अनुभव था, तो अभी तक जब भी हमारा योग नहीं लगता है या दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो मैं बैठकर उसको याद करती हूँ, उस अनुभव को, तो एकदम जैसे हम फिर उड़ने लगते हैं, सब कुछ मगर माइंड में से क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो एक बार हम भट्टी में ही गए थे, हमारा क्लास था, ज्ञान सरोवर का मंजू बहन का कुछ क्लास था। उनको भी बेचारे को पता नहीं है कि उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है हमको ब्रह्मा कुमारी बनाने में, उनको पता नहीं है। बहुत बड़ा हाथ है। तो उनका एक योग का क्लास था, मुझे इतना जाने का मन नहीं था, तो मैं कॉन्फ्रेंस हॉल के जो गेट है उसके पहली सीट पर मैं बैठ गई। मुझे लगा अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैं चली जाऊंगी बाहर, तो मैं ऐसे फर्स्ट सीट पर कॉर्नर में बैठी थी। उनका ऐसा योग का इतना सुंदर था कि जैसे अभी हम अंदर हैं, आप बाबा के साथ हैं, बाबा से आप बहुत प्यार करते हैं, समझो वो आपके सामने आ गए, एक गेस्ट बनकर वो आपके सामने आ गए, तो मैं खो गई। मैंने देखा अरे भगवान मेरे सामने आ गए, और वो बोल रहे हैं, वो मुझे सुनाई दे रहा है। अब ये भगवान आ गए तो तुम उनको क्या देंगे? तो मैं सोचने लगी, अरे शिव बाबा भगवान मेरे सामने आ गया, अभी मैं उनको क्या दूं? तो मेरे सामने जैसे हार्ट है ना, हार्ट होता है ना अपने दिल, तो वो जैसे पूरा मेरे सामने आया, मैं अपने हार्ट के अंदर हूं और उसका एक दरवाजा भी है, उसके बाहर शिव बाबा है। तो मैंने कहा हाँ ये है मेरे पास बाबा, ये है चीज मेरे पास दिल, मैं आपको ये दे सकती हूँ। तो मैंने शिव बाबा को जैसे अंदर बिठा दिया अपने हाथ में, हम दोनों मेरे हाथ के अंदर है, जैसे उनको मैंने बिठाया। फिर उनका ऐसे कमेंट्री चल रहा है कि आप क्या कैसे डेकोरेट करेंगे। सॉरी, पहले तो मैंने अपना जब हाथ देखा ना तो थोड़ा गंदा था, पता नहीं सब लोग होंगे ना अंदर में बैठे होंगे जो बुद्धि में होते, तो मैंने सबको क्लीन किया और फिर शिव बाबा को अंदर बिठाया, ऐसे एकदम बीच में बिठा दिया। फिर उनका कमेंट्री जो चल रहा है कि भाई भगवान को आप क्या कैसे डेकोरेशन करेंगे आप, तो मैं सोचने लगी फूलों से कैसे। तो मुझे आइडिया, मैंने अपने सारे जो अपना जो दिल था उसके ऊपर कांच के टुकड़े लगा दिए, एक एक कोने में कांच के टुकड़े लगा दिए। फिर मैंने देखा तो बीच में शिव बाबा की लाइट थी और एक एक कांच के टुकड़े, माना एक भी जगह खाली नहीं जहां शिव बाबा ना दिखाई दे, क्योंकि कांच के टुकड़ों में तो जिस जगह पर देखो, जिस कोने में देखो दिल के, वहां शिव बाबा दिखाई पड़ता था। तो वो अनुभव कि मैंने अपने दिल में शिव बाबा को बिठाया और उसका एक एक कोने में शिव बाबा का लाइट है। लेकिन वो जब हम जर्नी करते, अभी तक जब हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, कोई भी दिल में कुछ बात दूसरी वाली बातें आ जाती है, तो मुझे वो याद आता है, मुझे लिटरली दिखाई पड़ता है कि बहुत काला हो गया है दिल का ये कोना, बहुत काला हो गया है या एकदम काले मकड़े के जालों से भर गया है, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। फिर मैं उसको साफ करने का मेहनत करती हूँ और फिर से वहां सिर्फ शिव बाबा की रोशनी ही होनी चाहिए। तो ये एक पुरुषार्थ करने में भी बड़ा उमंग आता है। लेकिन क्या हुआ, मैं इतनी उसमें खो गई कि मेरे दिल के अंदर बस सब जगह बाबा ही बाबा है, शिव बाबा का प्रकाश ही है। मैंने उसको ये दिया, फिर मैं उनका खत्म हो गया होगा मुझे नहीं पता है कुछ भी, मैं अपनी जगह से उठी, कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर गई और सिर्फ चल रही हूँ, जो रोड है ना
डायमंड हॉल के साथ वाला, वहां जा रही हूँ। उसके बाद मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ चली गई, चार दिन तक। एक ये मेरा अनुभव है, मुझे आज भी दिखता है कि मैं वहां से उठकर ऐसे चल रही हूँ बस वहां तक, कि पता नहीं है मेरे चार दिन कहाँ गए, मैं ऊपर रही बाबा के साथ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा अनुभव था, लेकिन जिसने फिर भी मदद तो नहीं किया मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने में। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्मा कुमारी ही बनो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था मेरा भगवान के साथ। अगर मुझे बना नहीं दिया होता तो मेरा और ज्यादा अच्छा कनेक्शन होता, मैं समझती हूँ। क्योंकि भगवान को चाहिए मैं, आप देखे कि हमारा कनेक्शन, मेरा और बाबा का जो कनेक्शन है वो आज का तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने कोई भक्ति नहीं की है, मैंने भगवान को मांगा भी नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं ना मैं कुछ ढूंढ रही थी, ना मैं कुछ मांग रही थी, भगवान मुझे मिले ऐसा कुछ भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मेरे पास सब है, मैं बहुत संतुष्ट आत्मा थी बचपन से ही। लेकिन फिर भी बाबा थोड़ा 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 करके मुझे अपना बना रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि हमने एक साल खत्म किया अपने कॉलेज का, और बस ललिता बहन ने बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आके पढ़ना, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। अभी ऐसे गांव में रह रहे हैं खंभात में, तो तब तो पता है ना अफ्रीका जंगल है, ये सब पता नहीं था हमको। तो ऐसा ही लगेगा हम तो फॉरेन जा रहे हैं विदेश जा रहे हैं, और वो भी पढ़ने के लिए, तो हम तो बहुत खुश हो गए। लेकिन सब कुछ ब्राह्मण के रीत रिवाज से होता रहा। हमारा वहां से विदाई समारोह हुआ, वो भी हमें नहीं पता चला कि क्यों ये सब हो रहा है। सब कुछ ब्राह्मण रीति रिवाज से वहां से हमारा विदाई समारोह हुआ, हम दारेसलाम में पहुंच गए। अब दारेसलाम में आ गए तो हमारी जो अंदर की कश्मकश थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि यहाँ आ गए तो हम पर एक स्टैंप लग गया ब्रह्मा कुमारी का। हम ब्रह्मा कुमारी बने ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं बने लेकिन जो लोग आते हैं, स्टूडेंट होते हैं, सब हमको उस नजर से देखने लगे और रिस्पेक्ट देने लगे, जैसे हम ब्रह्मा कुमारी है, बहन है। तो मुझे अंदर में बहुत दुख होने लगा, मुझे लगा मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गई। लेकिन मैं निकल नहीं सकती, क्योंकि मैं सब कुछ करती थी बाबा के साथ, बहुत अच्छा मेरा कनेक्शन था, मुरली से प्यार, सब कुछ पसंद। और मैं सडनली ब्रह्मा कुमारी भी बन गई थी पता नहीं था मुझे। तो उस बीच क्या अंदर में मैंने अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। उस बीच मेरा सरेंडर सेरेमनी भी हो गया, उसमें सरेंडर सेरेमनी भी हुआ। मैं सच बताऊं तो वो मैंने क्यों किया, तैयार होना मुझे अच्छा लगता था तो तैयार होना है, स्टेज पर बैठना है, सजना है, तो वो तो मेरा बहुत फेवरेट काम था तो उसके लिए हम सरेंडर भी हो गए। हाँ, लेकिन जो प्रतिज्ञा होती है ना, वो सरेंडर कराते तो चंद्रिका बहन आए थे महादेव नगर वाले, तो बोला ये प्रतिज्ञा बोलनी है, तो मैंने प्रतिज्ञा नहीं बोली थी, क्योंकि प्रतिज्ञा बोले तो फंस गए तो वो मैंने प्रतिज्ञा नहीं बोली थी, बाबा को पता है। और मुझे अंदर में ऐसे भी हुआ कि अगर मुझे बाबा से कुछ प्रतिज्ञा करनी है तो मेरे दिल से प्रतिज्ञा निकलनी चाहिए ना। आप जो मुझे 5 या 7 प्रतिज्ञा दे रहे हैं वो आपके दिल की है, आपके साथ बाबा का जो कनेक्शन है मेरा ऐसा नहीं है। मैं बाबा को कंपेनियन के रूप में बिल्कुल नहीं देखती हूँ। हाँ, मैं उससे बातें बहुत करती हूँ, वो एक साथी है मेरे, पता नहीं क्या कनेक्शन है, दोस्त से ऊपर। लेकिन साजन और सजनी ये वाला खेल तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सरेंडर भी हो गए तो और ही बड़ा स्टैंप लग गया हमको ब्रह्मा कुमारी का। लेकिन हम अपने आप को फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिर एक बार दादी जानकी आए,
दार ए सलाम में, हमें 2 साल हो गया समझो। उस समय हमारी उम्र थी 17-18 के बीच में, तो आप समझ सकते हैं वो बहुत ही डेलिकेट समय होता है, एज होती है। तो 17-18 साल में तो हम आ गए थे दार ए सलाम में, ब्रह्मा कुमारी बन गए थे, कुछ पता ही नहीं था मुझे, कुछ नहीं आता था मुझे, इंग्लिश नहीं आता था मुझे, कुछ नहीं आता था, फिर भी ब्रह्मा कुमारी बन गए थे। तो 2 साल के बाद दादी जानकी आए थे वहां पर और उन्होंने मुझे देखा तो ऐसे बहुत प्यार से उन्होंने अपने 2 हाथ मेरे गाल पे रखे और हमको दृष्टि दी, और दृष्टि देकर उन्होंने हमें कहा आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो, और वो बोलने ही जा रहे थे लेकिन उतनी देर में मैंने सोच लिया काहे की भाग्यशाली देखो ना मैं कहां फंस गई हूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, कहां जाना है। जो पहले दिन का हमारा कोर्स होता है ना, वो मेरा शुरू हो गया सेंटर में आने के बाद, कि मैं कौन हूं, मैं कहां फंस गई हूं, मुझे कहां जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। लेकिन उनका जो दूसरा लाइन था तो वो ये था, तुम बहुत भाग्यशाली आत्मा हो, घर से सीधा सेंटर पे आने वाली आत्मा हो। मैंने कहा हे भगवान, एकदम मुझे पता ही नहीं चला घर में हूं, घर से कब सेंटर पर आ गई हूं बिल्कुल पता नहीं चला मुझे। तो मैं उनका शब्द सुन मतलब सोच सोच के मैं और दुखी हो गई थोड़ी। मैंने कहा ये मेरा आत्मा के अंदर का जो संस्कार है उन्होंने पढ़ लिया वो ठीक है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं घर से सीधा सेंटर पर आ गई। तो ऐसा मेरा अंदर में बहुत साल तक, मैं सच कहूं तो मैं दार ए सलाम से फिर मुझे बहुत सारी जगह पर सेंटर पर मेरे 15 से ज्यादा देशों में मैं गई हूँ सेवा के लिए, और अलग अलग देशों में बाबा ने मुझे बहुत उड़ाया है, हर बात में मेरा प्रोग्रेस किया है इसे। लेकिन मैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, समझो 1-2 साल पहले तक, इतना आप समझ सकते हैं। और मैं यही कोशिश करती थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या कुछ ऐसा कर्म करूं जो इस बंधन से मैं निकल जाऊं, ये जो ब्रह्मा कुमारी का स्टैंप लग गया है उससे मैं कैसे निकलूं। तो बहुत कुछ किया उसके लिए, हमने सोचा हम शादी कर ले तो ये सब निकाल देंगे हमको, हम पढ़ने चले जाए, हम ये करे वो करे, और आप मानेंगे नहीं बाबा ने हमको यह सब चांस भी दिए, ये सारे चांस दिए हमको निकलने के भी, हमको सारे चांस मिले हैं। हम इंडिया भी गए लेकिन हो नहीं पाया कुछ, हमने 15 साल के बाद हम वापस इंडिया गए तो पढ़ाई भी की, अधूरी रख कर आए थे तो पढ़ाई भी की, जॉब भी किया 3 साल पहले, लेकिन मतलब निकलना था लेकिन छूट नहीं पाए। फिर भी एक अंदर में बाबा के साथ कुछ बंधन था, तो बाबा ने हमको छूटने का बड़ा चांस दिया लेकिन हम छूट भी नहीं पाए। लेकिन वो एक बहुत अच्छा अनुभव था क्योंकि हम इतना साल हो गया समझो 15 साल हो गया हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा ने भी हमको अच्छे अच्छे रास्ते दिए कि जाओ तुम ये करो तुम वो करो। तो हम वहां जाकर ये भी किया, पढ़ाई भी किया, जॉब भी किया, घर पे भी रहे, सब कुछ किया। और आप तो जानते हैं ना वेदांती बहन बहुत ही ओपन माइंडेड है, कभी भी किसी भी बहन को बंधन में नहीं डालते हैं, जो भी हम कहे बहन हमको यह अच्छा नहीं लगता हमें ये हाँ करो। हमने प्रतिभा बहन का भी एक अनुभव सुना ना, कैसे बोला वो हॉस्पिटल में थे तो बोला हाँ खाओ, तो फिर हमें अपने हाथ से देखना है हमें कहाँ तक क्या करना है, लेकिन वो कभी हमें बंधन में नहीं डालते, बहुत हमारा एक एक लास्ट मोमेंट तक हमें सहयोग देते हैं। तो ये हम ये दूसरी हिसाब से हम भाग्यशाली है यहाँ सेवा पर। तो ये सब चांस मिला, तो जब हम बाहर निकले
फिर भी हम इस ब्रह्मा कुमारी के स्टैंड से छूट नहीं पाए, अपने आप को छोड़ नहीं पाए। तो 3 साल के बाद हमने पढ़ाई भी पूरी की, जॉब भी किया, बहुत सारा दिन जॉब करती थी मैं, सुबह 6:30 निकलती थी, रात को 8:30 आती थी घर पे। लेकिन अपने आप को बिजी रखना था मुझे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि पढ़ाई में भी कुछ नहीं है, जॉब में भी कुछ नहीं है, शादी तो करनी ही नहीं है, ये मैं जो हूं ना वही ठीक है। तो समझो 2 साल हुआ मैंने अपने आप को अंदर से जो एक्सेप्ट करना होता है वो किया और बुद्धि को एकदम ठीक कर दिया। लेकिन बाबा के साथ का जो अनुभव है वो तो पहले दिन से ही हमारे साथ है। हमने कहा ना हमारा थोड़ा सा उल्टा है, लोगों तो ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए पता नहीं कितनी कितनी मेहनत करते हैं और मुसीबतें झेलते हैं, हम नहीं बनने के लिए हमको मुसीबतें झेलनी पड़ी लेकिन फिर भी बन गए। तो एक होता है ये समझने की बात होती है, ब्रह्मा कुमारी हम किसी को बना नहीं सकते हैं, हम बॉर्न ब्रह्मा कुमारी होते हैं, बाय बर्थ से हम होते हैं और बाबा से ही हमें स्टैंप लगकर ही आता है। तो हमें उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। तो अगर कोई माँ बाप के लिए एक सलाह है मेरे तरफ से भी, मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही है लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण माता पिता होते हैं ना तो उनको ऐसा होता है हमारे बच्चे ये ब्रह्मा कुमार बन जाए, ब्रह्मा कुमारी बन जाए, बनेंगे वो अगर बाय बर्थ ही बन जाते हैं, स्टैंप लगकर ही आया है। हम जितना फोर्स करेंगे वो अंदर में आत्मा की शक्ति को हम मार रहे हैं और उसकी ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ ये सब के ज्ञान है लेकिन उसके तरफ हमें हमारी भावना भी अच्छी है कि इधर ही आए क्योंकि यही सत्य है, लेकिन उसको भी अपनी उस आत्मा को भी अपना एक स्पेस देना चाहिए तो वो अपने आप से खिल सके। मैं तो कभी सोचती मैं तो खिलने से पहले ही मुझे काट लिया और चढ़ा दिया भगवान के ऊपर। चलो अच्छी जगह पर चढ़ाया वो तो बात ठीक है लेकिन खिलने भी दिया होता तो और मजा होता। तो सेवा में भी ये हमारा एक्सपीरियंस है बहुत उल्टा है, लोग 1, 2, 3 ऐसे करते करते 100 पर जाते हैं, हम जन्म ही 100 पर हुआ लेकिन अनुभव बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। तो हम 100 से फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आए हैं, नीचे आए हैं अनुभव करने के लिए, गिरे नहीं है, अनुभव करने के लिए नीचे आए हैं। फिर जब 100 पर जाना होगा तो अभी तो अनुभवी है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सेवा में हम आ गए यहाँ पर अफ्रीका में और क्योंकि हमारा नेचर ही था, हमारा कोई दोस्त नहीं था, हम बहुत अकेले अकेले रहते थे क्योंकि एकदम लाइफ में ट्रांजिशन हो गया ना, जैसे पैसे वाले से गरीब हो गए और राजस्थान से गुजराती हो गए, अच्छी स्कूल में से गवर्नमेंट की स्कूल में आ गए, ये सब बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो गया था। तो हम बहुत अकेले अपने आप को रखने लगे थे, मैं और मेरा भगवान बस। तो अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम थी नहीं और अफ्रीका में कई देशों में हमने यहाँ आकर इंग्लिश भी सीखा, वो भी बाबा की मदद से एकदम। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बाबा इसमें तो हमेशा मदद करते ही हैं। तो हमने इंग्लिश भी सीखा, हमको नहीं आता था। और फिर हम जैसे सर्व अफ्रीका जब शुरू हुआ तो हम फ्रेंच कंट्रीज में भी गए तो हमने फिर फ्रेंच भी सीख लिया क्योंकि कोर्स कराना होता है, ये सब होता है। हम याद है हम सबसे पहले वेस्ट अफ्रीका में सेंट्रल अफ्रीका में गए थे। तो सेंट्रल अफ्रीका में तो वो देश तो पता नहीं क्या है, आदिवासियों का देश, उसमें 75% तो जंगल ही है और 25% में लोग रहते हैं। लेकिन वहां के जो लोग थे वो एड्स जो होता है ना, एड्स बीमारी वो बहुत फैली हुई थी। 25% में भी 50% लोगों को एड्स की बीमारी। तो वहां हम 6 महीने तक रही थी, मैं और एक दूसरी बहन वहां पर गए थे। तो पहले तो वहां तो सेंटर नहीं था तो किसी के घर में हम रहे 21 दिन। अब वो जो भाई थे वो भी बड़ा यंग था, मेरी जितना उम्र का ही होगा,
और उसको बहुत गुस्सा था। हम देखते थे कि वो अपने वर्कर को मारता भी है, तो मुझे बहुत डर लगता था। और वो नॉन वेजिटेरियन भी था, तो हम देखती थी कि वो उसकी गाड़ी निकल गई, तब जाकर हम जल्दी जल्दी खाना बनाकर और गरम गरम ही उतार देते थे खाना, उसकी गाड़ी आई उससे पहले। ऐसे करते करते हम 21 दिन उसके घर पे रहे। फिर हमने घर लिया, एक इंडियन भाई जा रहा था वहां से, 5 ही भाई थे उस देश में इंडियन, और कोई इंडियन ही नहीं था। तो एक उसमें से एक वापस जा रहा था इंडिया, तो उसने हमको घर दिया। हमारे साथ जो दूसरी बहन आई थी, वो जब से वहां आई तो तब से उनको बीमार थे, शायद वहां का जो मलेरिया होता है वो हो गया था उनको, लेकिन पता नहीं चला। और वहां का जो हॉस्पिटल तो कुछ होता ही नहीं है, एक ही हॉस्पिटल थी, तो उस हॉस्पिटल में तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि बॉर्डर के जो क्या बोलते हैं, इंजर्ड हो गए लोग और बहुत सारे, जैसे हाथ कटा है किसी का, ये बाहर ही ऐसे पड़े हैं, ऐसे हॉस्पिटल में तो हम नहीं जा सकते। तो घर पे ही एक नर्स को हम बुलाते थे, वो इतना बड़ा इंजेक्शन लेकर आती थी, इतना बड़ा जानवर का इंजेक्शन। और इस बहन को, ओल्ड एज था बहन का, तो उसको ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाती थी, तो वो इंजेक्शन की वजह से बेचारी और बीमार हो गई। उसको एक लेफ्ट साइड इंजेक्शन लगाया, तो फिर वो लेफ्ट साइड सो नहीं सकती थी, क्योंकि फूल गया, पता नहीं क्या हो गया, कड़क हो गया वो स्किन, तो दूसरी तरफ लगाया, तो अभी बेचारी दोनों तरफ नहीं सो सकती। और ऐसे करते करते उनकी बहुत हालत खराब हो गई और उनको जाना पड़ा, वो छोड़कर जाना पड़ा, और हम अकेले रहे थे। और हमें पता चला कि जब वो निकले तो अपने मॉरिशियस से आए थे, तो मॉरिशियस एयरपोर्ट पर भी ही वो गिर गए, और वहां से ही उनको हॉस्पिटल ले गए, और तब पता चला कि मलेरिया उनको अपने सर में चला गया है। अच्छा हुआ वो निकले, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता, मलेरिया सर में चला गया था। तो अभी अच्छे है, वो तो दूसरा कोई सेंटर संभालते हैं। तो हमको अकेला रहने का वो पहला चांस था, ऐसी जगह पर जहां हम किसी को जानते नहीं है, भाषा नहीं पता है, और एक टूटा फूटा सा घर में हम अकेले रहते, उसमें लॉक भी नहीं था। लेकिन वहां हम कोई स्टूडेंट भी नहीं है, तो हमारी दिनचर्या थी, वहां कुछ खाना भी नहीं मिलता है। हम अपनी बैग में ही 2 किलो आटा, थोड़ा सा चावल, ये सब ले गए। आलू मिलता है, टमाटर मिलते, लेकिन वो सब बहुत बदबू आने लगती ना, टमाटर बहुत पक जाता है, तो वो समझते ये पक अभी खाने लायक हो गया, ऐसे ऐसे चीजें मिलती। तो हम वहां हर रोज क्या खाते थे, हर रोज एक ही चीज खाते थे, कुछ था भी नहीं हमारे पास। एक कुकर ले गए थे हम छोटा, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा राइस डालते थे, थोड़ा सा पास्ता डालते थे, और केबेज मिलती थी वहां पर, तो थोड़ा सा केबेज डालते थे, और सारा कुकर पानी से भर देते थे, और फिर वो कुकर में ही हम वो कुकर ही बाबा के सामने रख देते थे भोग के लिए, वो कुकर ही बाबा के सामने रखकर, और हम वहां बैठकर योग करके, फिर वही बैठकर कुकर में से थोड़ा सा कटोरे में वो निकल कर शाम के लिए रख देते थे, और वो दोपहर में गरम गरम खा लेते थे। तो हर रोज हम वही खाते थे, और शाम को वो कटोरा लेकर आराम से बैठकर, एक फ्रेंच बुक थी हमारे पास, मुझे फ्रेंच तो आती नहीं थी, लेकिन वहां ले गए थे थोड़ी लिटरेचर, किसी को चाहिए तो हम बेच सकते हैं, कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी की है, तो वो मैं पढ़ती थी, मुझे आता नहीं था लेकिन वो पढ़ती थी, पता नहीं कितनी बार मैं पढ़ चुकी होंगी, क्योंकि वो मेरा रूटीन था। और फिर 7:30 बजे वहां के चर्च में घंट बजते थे, तो मुझे सुनाई पड़ता था, तो मुझे लगा अभी खत्म हो गया मेरा कार्यक्रम सारा पढ़ाई का। तब तक पढ़ते पढ़ते खाती थी, बाबा को याद करती थी, और वो घंट बजा, माना अभी खत्म याद करने का समय खत्म। तो वहां क्योंकि खाना नहीं मिलता था, लेकिन अंदर में मजा बहुत आता, बहुत उमंग रहता था, और हमने वही फ्रेंच भी सीख लिया, मिरेकल हो गया, मिरेकल। ऐसे पढ़ते पढ़ते, वो बुक पढ़ते पढ़ते हमें फ्रेंच भी आ गया। वहां 2 स्टूडेंट आए थे, तो मुझे याद है अभी, उनको इंग्लिश नहीं आता है, मुझे फ्रेंच नहीं आता है। एक्चुअली मुझे तभी पता चला कि फ्रेंच जैसी कोई भाषा होती है, वो भी पता नहीं था,
तो हमारे पास डिक्शनरी थी, तो मेरे को उसको पिक्चर समझाना होता था, तो एक एक शब्द आई एम अ सोल, तो आई मैं देखती थी इंग्लिश में, उसको बताती कि देखो ये फ्रेंच में इसका मतलब ये है, फिर एम, तो एम क्या होता है फ्रेंच में, दो दो घंटा लेती थी समझो, थोड़ा सा 10 मिनट का हमारा ज्ञान सिखाने के लिए, दो दो घंटा हम बैठते थे, एक एक शब्द वो फ्रेंच डिक्शनरी में देखे, मैं इंग्लिश डिक्शनरी में देखू, ऐसे करके, तो अच्छे बाबा के बच्चे वो निकले थे वहां से। और वहां हमको थोड़ा शरीर का भी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि खाने का नहीं था तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया, ये हमारा सर बहुत काला हो गया, क्योंकि 5-6 दिन तक पेट साफ नहीं होता था, तो पाइल्स का ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। लेकिन बहुत मजा आया हमको वहां पर, वो हमारी फेवरेट जगह है आज भी तो ऐसे तो बहुत सारे अनुभव है दूसरे दूसरे देशों में भी। एक दूसरा मैं अनुभव सुनाती हूँ आपको, शायद पता नहीं टाइम कम है, लेकिन वो देश कौन सा था जो आप? सेंट्रल अफ्रीका, बांगी नाम था शहर, बांगी बी, नहीं वो तो शहर हुआ ना, तो सेंट्रल अफ्रीका कंट्री थोड़ी ना बोलेंगे। हाँ कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीका ही है उसका नाम। ओके हाँ, उसको कार बोलते हैं, कार, सी ए आर, सेंट्रल अफ्रीका, ओके रिपब्लिक। तो ये एकदम सेंटर में है, एकदम जंगल है, और वहां पर जो लोग जैसे चोर वगैरह होते ना, तो बंदूक नाइफ लेकर नहीं आते, वहां इंजेक्शन लेकर आते, इंजेक्शन, वो भी किसका, एड्स का इंजेक्शन, पैसा दो वरना ही इंजेक्शन लगा देंगे ऐसा। तो लेकिन बहुत अच्छे लोग है, अफ्रीका में कोई भी देश में आप जाओ थोड़ा थोड़ा ऐसा चलता है, लेकिन वो सारा हमारे ऊपर डिपेंड है, मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कभी कोई भी नहीं ऐसे, बिल्कुल नहीं, उनका हमेशा हमें सहयोग रहा है। एक और मैं आपको अनुभव सुनाती हूँ, मिरेकल वाले तो बहुत है, लेकिन ये थोड़ा डेरिंग वाला थोड़े है। एक बार हमको दारुसलाम का हमारा वीजा खत्म होने वाला था, 2 दिन बाकी थे, तो हमको ऐसा होता है कि हम पास वाले नजदीक वाला जो देश होते हैं ना, हम वहां चले जाए, वहां से स्टैम्प थोड़ा रहकर वापस आ जाए, तो 3 महीने का फिर से मिल जाएगा, उस बीच हमारा फिर परमिट आदि बन सकता है। तो हम मुंबासा जाने के लिए निकले, मैं और एक दूसरी माता थी दारुसलाम की, बहुत बूढ़ी थी, तो हम दोनों निकले बस में। अब वहां होता ऐसा है कि हम बॉर्डर क्रॉस करके एक ही बस जाती है, एक दिन में एक ही बस जाती है, क्योंकि आगे जाकर हमको फेरी लेनी पड़ती है, अब बोट में जाना पड़ता है, उसके अलावा हम नहीं जा सकते, तो एक ही बस होती है। तो हम बस में निकले, यूजुअली तो जाने देते हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा प्रॉब्लम किया। तो एक जो कस्टम होता है, दारुसलाम से हम निकलने का, तो वो स्टैंप मारते हैं, तो हम दारुसलाम से एग्जिट कर दिया हमको, और फिर थोड़ा आगे चलकर फिर बॉर्डर आती है मुंबासा, तो वहां का कस्टम हमको स्टैंप मारे, फिर हम चले जाते हैं, और हमारी जो बस होती है ना, वो अपना कार्यक्रम खत्म करके स्टैंप में लगाकर वो आगे खड़ी होती है। अब जब हम दूसरी बॉर्डर पर गए, यहाँ से एग्जिट कर दिया, और दूसरी बॉर्डर पर जब हम गए, तो वो बोला कि 2 दिन में खत्म होने वाला है आपका वीजा। तो मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ, 2 दिन में, 2 दिन तो है ना। तो बोला नहीं, ये 2 दिन में खत्म होने वाला है ना, इसीलिए आप छोड़कर जा रहे हैं। तो मैंने कहा वो तो जो भी हो, हम आपको पे तो करेंगे ना वीजा के लिए। लेकिन वो माने ही नहीं, मुझे फंसा के रखा उसमें, मुझे बिठा के रखा, ऑफिस में ले गए, बोला नहीं मिल नहीं सकता है, मिलेगा ही नहीं। तो मैंने कहा तो क्या करो, इंडिया भेज दो। तो बोला ऐसे थोड़े इंडिया भेज सकते तुम तो अभी दारुसलाम में भी नहीं जा सकती हो, बोला, और यहाँ पर भी नहीं जा सकती, क्योंकि दारुसलाम का तो एग्जिट हो गया मेरा, तो वहां तो हमको लेंगे नहीं, अभी मुंबासा ही जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला तुमको जो चाहिए सब ले लो, मुझे तो जाना है। और उसने मुझे पता नहीं कितना घंटों बिठा के रखा, और मेरी बस तो चली गई, और दूसरी बस तो है नहीं, मुझे पता नहीं था मेरी बस चली गई, लेकिन उसने इतना बिठाया, और फिर मैं बहुत उसने
मगजमारी किया, तो मैंने अपना पर्स भी पूरा उल्टा कर दिया उसकी टेबल पर कि लो तुम्हें जो चाहिए, सारा पर्स मैंने उल्टा कर दिया। उस समय पता नहीं क्यों मैंने थोड़ा सा पैसा अपने बाल में छुपा के रखा था, वो बंद बनाते ना मोड़ो, तो उसके अंदर मैंने डाला था और दो तरफ यहाँ पर पैसा था मेरे पास, तो मुझे चिंता नहीं थी। तो मैंने तो सारा पर्स के सारी जिप खोल के उसके टेबल पर खोल दिया। मैंने कहा तुमको जो चाहिए सब ले लो, उसने ले लिया, सब कुछ ले लिया। और फिर बहुत टाइम हो गया, मेरी बस तो चली गई होंगी, फिर उसने बहुत मगजमारी करके मेरा सब कुछ लेकर फिर स्टैंप मारा उसने। अब मैं बाहर निकली तो कोई नहीं है सुनसान, क्योंकि वो एक जब बस आती है तभी थोड़ी भीड़ होती है, फिर तो बॉर्डर पर कुछ नहीं होता, और तो जंगल होता है बॉर्डर तो यहाँ। तो मैं तो घबरा गई, मुझे तो स्वाहिली भी नहीं आती है, तो मैं बस ऐसे बाहर आकर खड़ी हूँ, मेरी बस कहाँ है, बस कहाँ है। और सामने जो बाइक वाले होते हैं, तो कोई लोग पांच छह अफ्रीकन बाइक लेकर खड़े होते हैं, तो उसमें से एक बाइक वाला आया तो बोला कहीं जाना है, तो मैंने कहा नहीं जाना नहीं है, उसके पीछे थोड़ी बैठ सकते, वो तो पता नहीं कहाँ ले जाएगा। तो मैंने कहा मेरी बस तो बोला चली गई। तो मैंने कहा अभी वापस तो जा नहीं सकते, यहाँ रह नहीं सकते, तो नो मैन्स लैंड है, क्या करें। मैंने उसको पैसे तो था मेरे पास, लेकिन उसके साथ बैठे कैसे, जाए कैसे, कहाँ तक जाएंगे पता ही नहीं मुझे कुछ। फिर भी मुझे एकदम ऐसे संकल्प आया कि कोई रास्ता नहीं है, उसके ही साथ जाना पड़ेगा। तो मैं हम बैठे एक साइड में बैठते ना, तो बोला नहीं नहीं मुझे नहीं आता, एक साइड नहीं बैठा, तो दो साइड बैठना पड़ेगा। तो मैंने कहा पागल ये साड़ी में थोड़ी ऐसे बैठ सकते हैं, मैंने उसको बोला ये आपने पागल है क्या। ये बोला तू गिर जाएगी, तो मैंने कहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ले जा, तुम्हें एक साइड में ही बैठूंगी, दो साइड कैसे पाव करके बैठ सकते हैं साड़ी में। तो मैं एक साइड बैठी और वो चले, दोनों तरफ तो कुछ है नहीं, कच्चे कच्चे रास्ते, और उसमें मैं तो अंदर में थोड़ा थोड़ा वो हो रही थी, और उसमें पीछे एक और बाइक वाला आ रहा था। अब मैंने देखा कि ये क्यों आ रहा है, और उसके पीछे तो कोई कस्टमर नहीं है। तो मैं बाबा को इतना याद किया, इतना याद किया, लेकिन उस समय मुझे संकल्प आया कि जैसे हमारी वृत्ति से दूसरों की वृत्ति की सेवा होती है ना, हमारी दृष्टि से दूसरों की दृष्टि को परिवर्तन करते हैं। तो तब मुझे एक सेकंड के लिए हुआ कि तुम अपना फुल स्टॉप लगा दो, तुम बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचो इनके लिए। और वैसे मुझे अफ्रीकन्स के लिए बहुत प्यार है, इंडियंस के साथ हम थोड़ा सा बुद्धि चला सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पवित्र लोग है ये। तो मेरा एकदम फुल स्टॉप हो गया, और वो सच में मेरी मदद कर रहा था। तो हम आगे गए, और वो दूसरा वाला था ना, ये देखो इनकी प्रथा है, वो दूसरा वाला समझो मेरा प्रोटेक्टर है, ऐसे नहीं हम बस अकेली जा रही हूं इसके साथ, इसलिए वो दूसरा वाला भी आ रहा था देखने के लिए। तो ये बहुत अच्छे लोग होते हैं ये लोग। तो जब हम आगे जहां बस रुकने वाली थी वहां गए, तो बोला थोड़े टाइम पहले ही बस वहां से भी निकल गई है। तो मैंने उसको बोला भाई प्लीज तू जल्दी चला और देखना तो जहां भी हमें मिल जाए। बोला कहाँ जाना है, मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, जब तक बस नहीं मिले तब तक जा, चल तू मेरे साथ। तो फिर दूसरे स्टेशन पर हमको बस मिल गई, तो बस मिल गई, उसको थोड़ा पैसा दिया और हम छुट्टी लिया। और बस में भी घुसे ना तो सब लोग चिल्लाने लगे, क्योंकि जो माता थी वो तो इतना चिल्ला रही थी, क्योंकि वो तो बस में बैठी थी, हमारी बहन रह गई, बहन रह गई। तो बोला बाप रे, चलो माता जी आपकी बहन आ गई ना, अभी शांति रखो। बोला सारा रास्ता उसने चिल्लाया है, हमको चैन से रहने नहीं दिया। तो लेकिन ये बहुत अच्छा मेरा अनुभव है कि यहाँ के जो आत्माएं हैं अफ्रीकन, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और हमें इनके बारे में बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि ये लोग हमारे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एज अ सिस्टर भी, और इंडियन के हिसाब से भी हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और अब तो सिस्टर है ना, तो वो तो इंडियन भी हमको देखकर थोड़ी आंख मोड़ लेते हैं, लेकिन ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। एक बार दूसरा एक अनुभव मैं सुना देती हूँ।
टाइम है? भले कोई बात नहीं ऐसे तो बहुत सारे हैं। आप भले 5 मिनट सुनाओ, फिर ऐसा होगा तो दूसरा सेशन रख लेंगे, अभी और एक सुना दो भले, फिर पूरा करेंगे। एक बार हम, ये थोड़ा सेवा का है कि कैसे बाबा हमारी मदद करते हैं, क्योंकि बाबा का ही है ना सब कुछ। तो हम तो जहां पर भी गए हैं, ऐसा ऐसा देश में कि जहां कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम जाते हैं तो ऑटोमेटिक बच्चे आ जाते हैं, जिस तरह की सेवा की जरूरत होती है उस प्रकार से सब बच्चे आ जाते हैं। तो एक बार हमको, हम आइवरी कोस्ट में थे, वेस्ट अफ्रीका में, तो वहां हमको बहुत बड़ा प्रोग्राम करना था पीस पावर एंड विजडम का। तो बहुत सारे लोगों को भी हमने बुलाया था, तो थोड़ा एक्सपेंसिव था, बड़ा प्रोग्राम करना था और बहुत अच्छा करना था। तो हम भी बहुत नए थे वहां पर, लेकिन हमको फ्रेंच आ गई थी, तो हम बहुत अच्छे से लोगों के साथ मिलते थे। तो वहां का एक होटल है, होटल युवा, जहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत लोगों को मार दिया था वहां पर, तो वहां की एक होटल है। तो वहां एक सिनेमा थिएटर है, बहुत सुंदर है, और सारे देश में समझो एक ही अच्छी जगह है जहां हम थोड़ा सा यू नो वीआईपी टाइप का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जब हम वहां गए तो वहां के मालिक से मिले, बोला हमको ये प्रोग्राम करना है, आप हमको अपना थिएटर दो, हमको 2 घंटे के लिए चाहिए। तो बोला ऐसे 2 घंटा हो या 1 घंटा हो या 5 मिनट हो, हम पर डे के ऊपर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो पर डे का कितना होता है? तो उसने हमको कहा 1300 13 मिलियन समथिंग, तो बहुत होता है, बहुत सारा $1000 होता है सेफा वहां का, मुझे याद नहीं है 500 सेफा का $1 होता है या क्या। तो इतना मिलियन, तो समझो $1000 या $1200 जितना होता है एक दिन का सिर्फ उसका सिनेमा का। तो फिर हमने उसको थोड़ा समझाया, देखो ये तो फ्री है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग आएंगे उनसे हम कोई टिकट भी नहीं लेने वाले हैं, फ्री है, पब्लिक आपके ही भाई बहनों के लिए सब कुछ करके। वो थोड़ा सा उसने कम किया, $200 कम किया। तो हम फिर उठने लगे, मैंने कहा ये तो हमको तो है ही नहीं पैसा, तो एक्चुअली पैसा ही नहीं है कम क्या करना है। तो जाते जाते हमने उसको बाबा का एक ब्लेसिंग कार्ड दिया और हम ऐसे उठकर निकल रहे हैं और उसने ब्लेसिंग कार्ड पढ़ रहे हो और उसका एकदम फेस जैसे चेंज हो गया, एकदम चेंज हो गया पढ़ते पढ़ते। और उसने हमको आवाज लगाई, सिस्टर सिस्टर, हमने कहा हाँ, बोला प्लीज कम। वो पढ़कर फिर से उसने हमको बुलाया, तो हम वापस गए, तो बोला क्या, उसने कुछ बोला ही नहीं, हमको लगा कम करेगा, लेकिन वो बोला सिस्टर अभी मैं अपना बिजनेस साइड पे रखता हूं और आप लोगों को ये प्रोग्राम करना है ना, तो मैं अपना थिएटर आपको फ्री देता हूं, फ्री, बिल्कुल पैसा नहीं। तो एक ब्लेसिंग कार्ड का एक मिरेकल है ना। तब से हम अपने पर्स में, जितने मेरे पास 5 पर्स होंगे, सब में ब्लेसिंग कार्ड सबसे पहले मैं रखती हूँ, जहां भी जाओ सबको ब्लेसिंग कार्ड देना है। तो हमने एकदम फ्री किया और उसको ही हमने फिर वो दिया जलाने के लिए एज अ गेस्ट उसको ही बुलाया, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा वीआईपी है ना हमारे। तो उसने बाबा को इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए, इतना बड़ा उसका जो सिनेमा थिएटर था, वो फ्री में दे दिया। तो बाबा, ऐसा ऐसा बहुत सारे मिरेकल है हमारे जीवन में। तो बाबा ने, बाबा के साथ हमारा सूक्ष्म से ही, जन्म से ही कनेक्शन था, और पता नहीं क्या कनेक्शन है, हम उठते हैं तब से बाबा के साथ बातें करते हैं, रात को सोने तक, कभी कभी नींद में भी हम बाबा के साथ बात करते हैं। और एक बाबा को भी पता है कि कुछ कहना नहीं है इनको, ये जो भी करेंगे ठीक करेंगे, मुझे भी अंदर में है बाबा जो करेगा ठीक करेगा। कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, दिल भर जाता है, तो हम बुक और पेन लेकर बैठ जाते हैं, समझते आज तो बाबा को ये लिखेंगे, बाबा इसने ये कहा, बाबा ये क्यों नहीं करते, आई हेट यू दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब उसके सामने आते हैं तो एक ही हम लाइन लिख पाते हैं, आई एम ओके,
इतना अंदर भरा होता है ना, वो सब पता नहीं कहाँ खुश हो जाता है और उसके सामने जाकर हम एक ही लाइन लिखते हैं, आई एम ओके। तो आज के लिए मेरी सबसे ये एक क्या कहेंगे एडवाइस तो नहीं है लेकिन इंस्पिरेशन है कि हमारा योग लगता है नहीं लगता है ये बहुत पीछे की बातें हैं, लेकिन हमारा भगवान के साथ लिखना बात करना ना ये बहुत एक नियम अनुसार हमारा होना चाहिए। अगर मुझे टाइम भी नहीं होता है तो मैं लिखती हूँ बाबा को, या तो ना आई एम ओके, आई लव यू बाबा, कुछ ना कुछ एक लाइन बस। कभी कभी आई हेट यू भी लिखती हूँ लेकिन फिर मुझे चैन नहीं पड़ता है, सच मुझे चैन नहीं पड़ता। समझो आज सुबह मैंने लिखा आई हेट यू बाबा, तो जब तक मैं उसको क्रॉस नहीं कर दू मुझे रात को नींद नहीं आती। तो कभी एक बजे भी उठ जाती हूँ उसको क्रॉस करती बुक में, उसको क्रॉस करती हूँ और उसके बदले में हेट की जगह लव लिख देती हूँ, तब मैं चैन की नींद सो पाती हूँ। कभी गुस्सा आता है तो भगवान पर ही निकालते हैं, वो बैठे हैं तो ऐसा लिख भी देते हैं लेकिन चैन नहीं पड़ता है। तो बाबा के साथ अच्छा एक कनेक्शन है और यही आशा भी है कि सबका भगवान के साथ एक ऐसा कनेक्शन हो तो हमें किसी और की जरूरत नहीं होगी। जो भी चाहिए हमको चाहिए चाहिए करना ही नहीं है, हमारा बाप है और सबसे ज्यादा तो हमारा मित्र है वो, और उसको हम कुछ भी कैसे भी बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। उसके लिए सफेद साड़ी की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है, एक हमारा एक प्योर कनेक्शन है ही। चाहे आप इस संस्था से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं लेकिन भगवान के साथ हमारा एक कनेक्शन है ही, आत्मा का उसके साथ एक कनेक्शन फिक्स है, सिर्फ उसको हमें पहचानना है। ओम शांति, ओम शांति। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, आपने तो सबको खुश कर दिया। और डॉक्टर साहब चंपाबेन, ये ऐसी पहली ब्रह्मा कुमारी होगी जो कुमारी शब्द मत बोलो। तो क्या बोलो? नहीं बोलो। सुनो सुनो डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब मेरे हिसाब से नहीं चिड़ेंगी, अभी तो बन गई। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, बन गई हमारी। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, ये पहली ऐसी ब्रह्मा कुमारी होगी जो समर्पित तो पहले हुई लेकिन अर्पित बाद में हुई, ठीक है? समर्पित पहले हुई, अर्पित बाद में हुई। और बहुत देखो क्या क्या कहा कि कागज पर कभी लिखती हूँ बाबा आई लव यू, कभी भी लिखती हूँ बाबा आई हेट यू। तो आपके लिए शायराना अंदाज में अगर मैं कहूँ आपकी ओर से बाबा के लिए, तो दिल के उजले कागज पर हम कैसा गीत लिखे, दिल के उजले कागज पर हम कैसा गीत लिखे, बोलो तुमको गैर कहे या अपना मीत लिखे, दिल के उजले कागज पर हम कैसा गीत लिखे। ये कभी लव यू तो कभी हेट यू। तो बाबा भी तो कलाकारों का कलाकार है, वो भी फिर जवाब देता है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। ये है आपकी परमात्मा के साथ के प्यार की कहानी। तो कभी आप लव यू करते हो, कभी हेट यू करते हो, जब हेट करते हो तो वो गीत गुनगुना, वो गीत आपके लिए गाता है कि तुम मुझे भुला ना पाओगे, चाहे कितना भी तुम मुझसे मुझे हेट कर लो। तो ये हेट तो है ही नहीं, तो एक मजेदार बातें हैं। और बाबा के बीच में तो बहुत नखरे चलते हैं, बहुत नखरे होने भी चाहिए, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि ये पहचान तो अभी ही हो सकती है। तो कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन आपने सार रूप में कहूंगा सबको खुश कर दिया। और भले ये YouTube में लोग सुनेंगे लेकिन ये जो लाइव में जिन्होंने सुना है उनको बहुत मुबारक है, क्योंकि वो फिर भी बासी खाना हो जाएगा, वन वे हो जाएगा, नरसिंह दादा खुश हो रहे। तो अपने लिए तालियां बजाओ कि देखो कितना अच्छा सुना आपने।
उनके लिए तो है ही तालियां, लेकिन अपने लिए भी, क्योंकि आपने समय निकाला है और इस तरह से लाइव सुना तो उसका एक अपना मजा है। बाकी तो कई चीजें एडिट हो जाती है। तो बहुत बहुत मुबारक धरती बहन, तो आज सबको आसमान में ले गई और कैसे कैसे अनुभव सुनाए। तो डॉक्टर साहब अपने मन की बातें और चंपा बहन अपने मन की बातें सुनाए। डॉक्टर साहब अभी तो मेरे को इतना नशा है ब्रह्मा कुमारी का, इसको मैं पोजीशन के रूप में लेती हूँ। मैं समझती हूँ कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। जैसे अभी मैं याद कर रही थी आप लोगों ने जो निकाला है ना एक्सपीरियंस का, तो मैं याद कर रही थी कि बाबा ने कहा था ऐसे ऐसे निकालो जो बड़े बड़े लोग अपना बुक में लिखे और लोग पढ़े उनका अनुभव, बड़े बड़े लोगों का, तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा और इंप्रेस होंगे ना। तो मैं सोच रही थी, मैं बोल रही थी बाबा से कि बाबा कौन बड़े, सबसे बड़े तो हम ही हैं, हमसे बड़ा कौन है, कोई नहीं। सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ही सबसे होशियार, सबसे बड़े। ये जो बाबा ने पूछा था ना बाबा को तीव्र पुरुषार्थ के लिए अव्यक्त बाप दादा को, तो बाबा ने बोला था अपना अनुभव सुनाओ। तो ये जो फिर ये जो प्रोग्राम चला तो भाई सबका अनुभव ही सुनना है, तो सबको बोल रहे अनुभव आपका तो बहुत अच्छा अनुभव। और मेरे को तो गीत आ गया याद, धरती को आकाश पुकारे, ये धरती बहन को आकाश वाले बाबा ने पुकार पुकार के अपना बना लिया, क्या मेरे प्रेम द्वारे, सुना, बनना नहीं था फिर भी बना दिया बाबा ने आपको, बहुत अच्छा, बहुत को मजा आया धरती बहन, बहुत मजा आया। हमारा जब सरेंडर सेरेमनी था तो हम ऐसे दरवाजे से हमको संगली पर जो स्टेज था उस पर बिठाना था, अब वो गीत चल रहा था, तो आपने गाया ना वो गीत बजाया था, सब पहली बार मैंने सुना। अच्छा। नहीं धरती को आकर्षित करे वाला नहीं, अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, ऐसा कोई गीत था। तो मैं तो अपनी अच्छी अच्छी जैसे टीवी में बताते है ना वैसे मैं तो तैयार हूँ और ऐसे ऐसे चल के जा रही हूँ। धरती बहन वो गाना इस तरह, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, ये था जो आप कह रहे हो। ये धरती भी चल के पहुंच गई, सूरज बनी लीडिंग ब्रह्मा कुमारी। आपकी बात से तो अनेकों को प्रेरणा मिली इस प्रकार से कि किसके दिमाग में, कोई बोलते नहीं है लेकिन कई बार ऐसे उब जाते हैं अपने इस बीके जीवन से भी, तो उनके लिए प्रेरणा जरूर मिलेगी कि टाइम तो जरूर आएगा जो हम भी धरती बन के आकाश पे उड़ेंगे, ये आशा आपने सबको दे दी है। ऐसे किसी भी कभी भी कोई ऐसा टाइम मौका आता है, मौका तो नहीं कहेंगे ऐसी बात होती है, तो धरती बहन को याद करने से देखो कितना उल्लास उमंग से एकदम उड़ उड़ के बोलते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा याद आ जाएगा सबको और वो उनकी उदासी में भी उड़ना शुरू कर देंगे। ऐसे बाबा के कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से बोलते नहीं है लेकिन अंदर कई बार उब जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको और बहुत शेयर करना है ना, तो हमें कुछ मिक्स नहीं करना है, कुछ ऐड करना, कुछ निकालना नहीं है, जो है वैसा ही होना चाहिए अनुभव। आपने नेचुरल नेचुरल सुनाया, मतलब जैसा अनुभव हुआ ऐसा आगे पीछे उसको मठाना नहीं, ऐसे ही सुनाया, अच्छा लगा बहुत। देखो सभी के चेहरे खुशनुमा में आ गए, खुशनुमा चेहरे देखो, एक एक को मैं देख रहा हूँ यहाँ से गैलरी में, एक आपका चेहरा भी बहुत मुस्कुराहट वाला है डॉक्टर, आपका नंबर वन है, आपका नंबर वन है। आपको आना है, हाँ मैं आना है। हम लोग 2001 में तारापुर से निकले थे तो खंबात गए थे, उस टाइम वहाँ पाठशाला थी, कोई होम्योपैथिक दवा खाना था, वहाँ पाठशाला चलती थी जया बेन, आप जानते हो, तो वो
वो कौन चला था मालूम नहीं, लेकिन हम रुके और हमको ले गए हसुबेन के, चलो हसुबेन ने कुछ था दवा खाना। धरती बहन हसुबेन ने भी खास आपको याद किया है, याद प्यार दिया है, और आपका फोटो मैंने शिलू बहन को भी भेजा, शिलू बहन के साथ वाला, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गए, बोले ये फोटो कहाँ से आया, बोला किलिमंजारो से आया। वो भी खुश हो गए। ये गीत भी आपने बहुत सुंदर बनाया मिनेश भाई। हाँ जी, आपने भी साइड शो इतना अच्छा बनाया, अच्छा बनाया। हाँ, धरती बहन भी उड़ने लगी होंगी, कितना अच्छा सुंदर स्लाइड शो। एक गीत नहीं, अभी हिमानी बहन भी खुश है। डॉक्टर साहब, ये सारी जो इनकी कहानी है, इसमें एक 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 बिल्डर को भूलना नहीं चाहिए, और वो है ललिता बहन जी। ललिता बहन ने तो उस वक्त एक गीत गाया, और वो गीत ये है, आगे भी जाने न दूं, पीछे भी आने न दूं, तो भी है बस यही एक पल है। ब्रह्मा कुमारी बना के ही छोड़ूंगा, आगे भी नहीं पीछे भी छोड़ा। उनका तो बहुत विल पावर है, बाप रे, कुछ भी करो यही बनना है वो। हाँ, तो भाई आज तो आर्ट एंड कल्चर का भी प्रोग्राम हो गया। किसी को कोई गीत धरती बहन के लिए गाना है, इनकी जो कहानी जीवन की सुनी, तो आप गीत के अंदाज में आज कह सकते हो। आज का माहौल अलग है भाई, टाइम भी हो गया वैसे। भाई को तो क्या है, टाइम टाइम पर कौन सा गीत वो एकदम उसकी बुद्धि में आ जाए। हाँ, ये मुझे नहीं आता है। हर टाइम का गीत इनके पास है, कहाँ कहाँ से ले आते हैं हर टाइम का गीत। इसको एक गिफ्ट है गोडली। वो तो गीत बनाए हुए गीत सुनाते, आज तो पूरे हैं, अंदर से निकले हैं गीत। आपने स्टिमुलस दिया है गीत बनाने का अभी आज। अभी कहीं आपको आधा घंटा ऐसा कोई जरूरत हो ना तो मुझे बताना, अभी और थोड़ा एक्सपीरियंस बाकी है। पूरा एक सेशन रखेंगे आधे घंटे का, नहीं एक घंटे का, आप पूरा मेमोराइज कर लेना डेट में आपको बाद में, क्योंकि काफी डेट्स हमारे बुक है, तो मैं देख करके आपको बाद में डेट। जैसे प्रतिभा बहन का 4 सेशन किया तब जाके मुश्किल से पूरा हुआ है, तो आप सारा ही बुद्धि में ले आना, और फिर वो एक सेशन में आप पूरा कर देना, वो करेंगे साथ में डेट फाइनल करेंगे। भाई और बहनों को कुछ कहना है, लेकिन गीत गा के कहना पड़ेगा। आज एक अलग अंदाज में आप बात रख सकते हैं मुकेश भाई, गीत के द्वारा। नरसी दादा, गीत से बात नहीं कर सकते, गीत गाना पड़े आपको, कोई चांस मिलेगा आज, नहीं तो नो चांस। ये हमारे गुजरात की है, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले, उगले मोती। तो अफ्रीका में जाके सोना और मोती उगाया है धरती बहन ने। अशोक भाई, लेकिन गीत गाना पड़ेगा, बात नहीं कर सकते, गीत ही चलेगा। हाँ, अनम्यूट करो। अभी जो अभी चंपा बहन ने बोला ना, वही गीत मैं याद रख रहा था, वही बोल रहा था मैं गीत। देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले, हीरा मोती, मेरे देश की धरती। थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप देखो, मैं तो एक्स इंडियन एयरफोर्स हूँ, 40 साल नौकरी किया, आप तो मिलिट्री से भी आगे निकल गई। मिलिट्री मैन बनना था, लेकिन आप बॉर्डर को क्रॉस करके आपने कहा ऐसे ऐसे कंट्री, हमें तो पता है वहां पर बहुत हमारी फोर्सेस भी जाती है वहां पर शांति के लिए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जाती है वहां पे कुछ कंट्रियों में, उधर अफ्रीकन कंट्रीज में। तो आपने तो कमाल कर दिया, आप तो बहुत बहादुर, आपका जो एक्सपीरियंस सुना हमें तो, हम तो मिलिट्री मैन हो के इतना हमारे अंदर साहस नहीं है, हम सही बता रहे हैं। ये शिव शक्तियां हैं, शिव शक्तियां हैं। अच्छा चलो ठीक है, 2 मिनट बाबा की तस्वीर दिखाते हैं, और आप सबको दृष्टि दे धरती बहन, सबको आसमान में ले जाए 5 तत्वों से पार। 2 मिनट तारों में सज के अपने सूरज से
देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, झलकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से।